अवेरी वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू आई एम निरुपमा हम साल के उस महीने में हैं जिसको हम बहुत पैशनेटली सेलिब्रेट करते हैं बहुत रोमांटिकली सेलिब्रेट करते हैं और बहुत सारी खुशियाँ अपने जीवन में लाना चाहते हैं येस आई एम टॉकिंग अबाउट मंथ ऑफ फेबररी इच इज फेमस फॉर वैलेंटाइन डे जो लोग रिलेशनशिप में हैं प्लान आउट करना शुरू कर देते हैं कि हम वैलेंटाइन डे किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे अपने पार्टनर्स को अगर वो फिजिकली uh, कहीं यू नो डिस्टेंट प्लेसेस पे हैं दे प्लान आउट टू मीट टुगेदर ऑन दैट पर्टिकुलर डे जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं वो इस खोज में लग जाते हैं कि हमें कोई पार्टनर मिले जिसके साथ हम ये डे सेलिब्रेट uh, कर सकें और जो अपने Divine partners hain, twin flame journey, your soulmate journey, your soulmate hain, that is icing on the cake. Whether you are together or you are not together, but still there is a love in the air, in our consciousness, in our feelings, and we feel that all around us. So let's talk about this very beautiful divine journey, the twin flame journey. क्योंकि इस जर्नी में जो एक अल्टीमेट रियलिटी है वो है यूनियन इन थ्री डी कॉन्शियसनेस ऑफ डिवाइन मैस्किलिन एंड डिवाइन फैमिलिन तो आज मैं एक ऐसे एक्सपीरियंस की बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी जो यूनियन से पहले बहुत एविडेंटली हम लोग फील करते हैं जो मैंने भी किया एंड दैट्स वॉट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू जैसे जैसे हम यूनियन की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहला साइन वी हैव लॉट ऑफ सिंक्रॉनिसिटीज वी हैव लॉट्स ऑफ साइन एंड सिम्टम्स बट वन ऑफ द वेरी मेजर शिफ्ट जो हमारी लाइफ में आता है दैट इज एक बैलेंस आने लगता है जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन और जो हमारी सॉरी इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनन एनर्जी होती है उसके बीच में और ये जो थ्री डी यूनियन है जिसकी हम बात करते हैं ये भी तभी पॉसिबल होती है जब हम एक इनर वननेस में होते हैं वी ऑल हैव फेमिनन मैस्कुलिन एनर्जी ये ऑल नो दैट जब ये अंदर की दोनों पोलैरिटीज जिसको हम यिन यांग बोलते हैं फेमिन मैस्कुलिन बोलते हैं ये अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाती है बैलेंस में आना शुरू हो जाती है देन इट इज अ क्लियर सिम्टम और साइन व्ट एवर यू मे दैट नाउ वी आर वेरी क्लोज टू आई यूनियन क्या साइन होता है कि आप कैसे पता चले कि आपकी ये दोनों एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं ये पोलैरिटीज अलाइन हो रही हैं तो सबसे पहला जो साइन है यू स्टार्ट फीलिंग अ डीप कामनेस यू एक बहुत पीसफुल स्टेट में आप आने लगते हैं You feel very light, light, energetically, and yes, in real sense too, it can happen. Your body, your physical body, there is a quite possible, like it's possible, ki jo uh, physical body hai, you shed up some extra pounds, kilos, or inches. But energetically, yes, certainly.

हम बहुत सारी बातों के बारे में सुनते हैं कई सारी चीजों के लिए हम इन यू नो हमारा इंटरेस्ट होता है हम uh, उनमें हमारा मन लगता है लेकिन पैशन इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम दैट कोई चीज अच्छी लगनी एंड बिकमिंग पैशनेट अबाउट इट इज द डेप्थ ऑफ योर फीलिंग सो एवरीथिंग यू लाइक यू बिकम पैशनेट टूवर्ड्स दैट जो लोअर इमोशंस हैं चाहे वो फियर हैं किसी भी तरह की टेंशन हैं वरीज हैं एंजाइटी हैं पेन है आप, आप उन चीजों को उन इमोशंस को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाते बहुत हद तक दे गेट आउट ऑफ योर सिस्टम एंड इवन इफ समाइम्स कोई ऐसी सिचुएशन आती है या कोई भी ऐसी यू नो फीलिंग होती है तो भी आप बहुत ज्यादा देर उससे जूझते नहीं हैं दैट गोज आउट फ्रॉम योर सिस्टम बिकॉज यू वाइब्रेट एट द हायर फ्रीक्वेंसी तो जो भी लोअर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है उसको आप ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ पाते हैं यू स्टार्ट फीलिंग वेरी जॉयफुल वेरी हैप्पी विदाउट एनी रीजन जल्दी से आप लोगों को फिव कर पाते हैं अगर खुद से भी कोई गलती हो जाती है देन यू फ गिव योर सेल्फ यू डोंट होल्ड ऑन टू दैट एनर्जी कि वॉट आई हैव डन वाई इट इज वाई इट हैज हैपन उसने मुझे ऐसा क्यों कर दिया उसने मुझे ऐसा क्यों, क्यों कह दिया यू आर आउट ऑफ दिस एनर्जी फील्ड अगर कोई भी सिचुएशन जैसे मैंने बोला यू नो दिस इज लाइफ एंड ऐसा नहीं है कि हम कभी भी ऐसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे कि देर इज एप्सल्यूटली नथिंग टू डील विद कोई भी चैलेंज ही नहीं है अब लाइफ में लेकिन अब जो आपके अंदर चेंज आएगा जो आपके अंदर शिफ्ट आएगा वो ये होगा कि आप वरी नहीं करते अजीब सा कॉन्फिडेंस होता है अंदर कि वी कैन सॉर्ट आउट दिस थिंग्स हमारे पास इन इस सिचुएशन में जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी हर्डल्स हैं हम उनको सॉर्ट आउट कर पाएंगे उसका हल हम निकाल लेंगे ज्यादा से ज्यादा यू लिव इन प्रेजेंट मोमेंट डोंट थिंक अबाउट योर पास्ट नीदर यू वरी अबाउट योर फ्यूचर जो बार बार एक ओवर थिंकिंग की आदत होती है या हम लॉस्ट हो जाते हैं हमें पता ही नहीं होता वे वी आर राइट ये आदत हील हो जाती है ट्रांसफॉर्म हो जाती है एंड जब ये हैबिट ट्रांसफॉर्म हो जाती है देन मोस्ट ऑफ द टाइम यू लिव इन योर प्रेजेंट मोमेंट एंड यू डू एवरीथिंग वट एवर इज इन योर हैंड वेरी पैशनेटली वेरी जॉयफुली एंड यू गेट दैट पीस आउट ऑफ एवरी सिचुएशन यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग गुड थिंग्स इन योर लाइफ जो भी आपकी क्रिएटिविटी होती है दैट क्रिएटिव फ्लो इट बिकम्स इनहेर आप उसके साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं आप समझना शुरू कर देते हैं अपने आप को और अब जो चेंज आने लगता है आपके जो पार्टनर्स हैं वो भी धीरे धीरे आपके लाइफ में रीअपियर होने लगते हैं इट्स नॉट नेसेसरली कि यू नो ये कंप्लीट रिटर्न हो लेकिन थ्रू मैसेज थ्रू एनी काइंड ऑफ कॉल और एनी पॉसिबल वे इट्स एवर पॉसिबल बट यू कैन सी द साइन ऑफ दे एम रिटर्निंग बैक इन योर लाइफ और इस बार जब आप मिलते हैं तो आप दोनों बहुत ओपन होते हैं बहुत ऑथेंटिक होते हैं और आपका कम्युनिकेशन जो है वो बहुत बेटर होता है इट्स नॉट not... और यह भी जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारी बातें करें लेकिन आप एक दूसरे को समझ पाएंगे डीपली अंडरस्टैंड कर पाएंगे वो जो शिकायतें शिकवे गिले दैट हैज नो स्पेस इन योर लाइफ नाउ हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का तरीका आपका और उनका अभी भी अलग हो लेकिन जो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है वो क्रिएट हो जाती है आपको अपनी लाइफ देखने का जो नजरिया है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है यू स्टार्ट एप्रिशिएटिंग योर जर्नी एंड वैल्यू एवरी स्टेज यू कॉन थ्रू इट जिससे अभी तक जो भी कंप्लेन्स थी ये हमारे साथ क्यों हुआ वाई दिस जर्नी इज सो पेनफुल वाई देर इज सो मच ऑफ वर्क नॉट एनी मोर माई डियर फ्रेंड्स जो भी ये कंप्लेन थी वो अब जो, या जो भी क्रिबिंग थी अबाउट दिस जर्नी दैट गोज आउट ऑफ विंडो आपको हर सिचुएशन में यह समझ आने लगता है कि ये मुझे क्या सिखा रही है एंड यू क्विकली हील फ्रॉम दैट सिचुएशन आपका जो हीलिंग uh, प्रोसेस है वो बहुत क्विक हो जाता है जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत क्विक हो जाती है आपका जो बिलीव सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है You start, start believing in yourself totally and completely. You become a confident person. You intuitively have messages milte hai, ya aapko guidance. Milte hai, you don't doubt them. You feel very grounded. And you become unconditional love. And that love flows inside you and outside of you. There is no judgment for anything. ना आप खुद को जज करते हैं क्योंकि अब आपको ये एहसास हो जाता है कि कोई भी गलती या कोई भी डिफरेंट एक्शन उसकी पावर आपके अंदर है कि आप उसको एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप उसको चेंज कर सकते हैं देर इज नो इफ्स एंड बर्थ्स इन योर लाइफ anymore. मोर जस्ट टोटल And you feel this alignment अलाइनमेंट जितना आप अपनी खुद के साथ अलाइंड होते जाते हैं The same thing starts happening in your life. Just resistance hai, that finishes. And you create that harmony. And these four key words, which I keep using unconditional love, joy, harmony, and abundance, that really becomes your true nature. So if you are in that situation, if you are finding these changes in you, if your polarities are coming in balance, you are coming in your own union. And that's what will manifest in your 3D consciousness, in your 3D reality with your divine counterpart. And now let's talk about. the current energy right now of divine feminine and divine masculine agar main divine feminine ki energy dekhu to तो healing ka process jo hai wo bahut rapid ho gaya hai bahut तेजी के साथ हो रहा है लेकिन बहुत deep हो रहा है चाहे वो आपके जो भी inner child issues बचे हैं वो चाहे वो आपके ancestral issues हैं चाहे वो आपके सीक्रल चक्र से रिलेटेड इश्यूज़ हैं स्पेशली दे आर हीलिंग इन अ मच फास्टर रेट देन एवर बिफोर सीक्रल चक्र इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी सेंटर जहां लॉट्स ऑफ शेम गिल्ट पुराने जितने भी जो भी हमारे यू नो एनर्जेटिक कॉर्ड्स होती हैं वी होल्ड ऑन टू इट और जब तक ये एनर्जी सेंटर क्लीन नहीं होता वी डोट मूव फॉरवर्ड फ्रीली क्रिएटिवली सो इस टाइम हो सकता है कि आप बहुत इंटेंस यू नो सेक्सुअल अर्जीज हो रही हूं इस टाइम बहुत इंटेंस इमोशंस सरफेस पे आ रहे हो किसी भी तरह के इमोशंस ज डोट गेट कैरिड अवे उसमें फंसना नहीं है जस्ट लेट इट हैपेन जभी भी कोई हीलिंग होती है इट टेक्स लिटिल टाइम टू मैनिफेस्ट राइट टू गिव योर सेल्फ टाइम राइट नाउ आपको क्या करना है अपने आप को पेम्पर करना है रेस्ट करना है Drink lots of water, exercise, take good care of yourself and forget about the world. Just be involved within yourself. Okay? Whereas Agara Abhibi ifs or bats mellagirenge, ऐसा क्यों हो, हो रहा है ये अभी हम क्यों फील कर रहे हैं अब हम क्यों इम्बैलेंस हो रहे हैं इट्स गोइंग टू डिले द प्रोसेस दैट्स ऑल एंड मोस्ट ऑफ यू आई नो कि अब उस स्टेज पे हैं कि अब आपको ये समझ आने लगा है कि हीलिंग प्रोसेस कैसे होता है यू नो फॉर समाइम्स कुछ देर के लिए आप इन स्टेजेस के थ्रू आपको निकलना पड़ता है बट देन यू ट्रांसफॉर्म यू बिकम अ बटरफ्लाई एंड बटरफ्लाई ऑफ ब्यूटिफुल कलर्स गिव योर सेल्फ दिस ऑपरचुनिटी टू हील काउंट योर ब्लेसिंग्स पेम्पर योर सेल्फ लव योर सेल्फ रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड बी काइंड टू योर सेल्फ अब अगर मैं डिवाइन मैस्कुलिन की बात करती हूँ तो दैट्स बट ऑब्वियस अगर डिवाइन फैमिलन इतना अपने ऊपर काम कर रही हैं यू आर डिफरेंट पोलैरिटीज बट वन पर्सन राइट वन एनर्जी सो डिवाइन मैस्कुलिन इज ऑल्सो कमिंग इन देअर यू नो ऑथेंटिसिटी they are feeling very inspired right now very creative right now they are using their willpower they are very enthusiastic very passionate towards things so energy of divine feminine and divine masculine is quite similar maybe the experience is different because feminine energy feels more emotions whereas masculine energy Express it differently, but the process is the same, and it's a beautiful energy right now. So, my dear friends, look after yourself, give yourself a chance to heal and grow and spread your light all around because we have to nurture this Mother Earth, we have to change the uh, energy of this planet. And that's our mission. that's why we are here for. We are he We are not here for any other reason, other than just healing this mother Earth with your light, with your love, with your compassion, with your kindness. so keep affirming unconditional love harmony joy and peace and abundance is my true nature i love you all bye for now